Hello everyone, I'm Siddharth Salathiya and this is my 8th tutorial on Indian classical vocal music. I get around 40 to 50 messages every day of people want to know that how to increase their vocal range or how to sing on high pitch. So today I'll let you know that एक singer कैसे अपनी vocal range बढ़ा सकता है और कैसे वो जो हाई नोट्स हैं उनको कैसे गा सकता है अच्छे से बिना स्ट्रेन किए अपनी वॉइस को या बिना बेसुरा हुए हाई नोट्स पे। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ऊंचा गाना ही सिंगिंग अच्छी सिंगर बनना की निशानी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा जरूरी होता तो जगजीत सिंह जैसे सिंगर्स या ऋचा शर्मा जैसे सिंगर्स कभी सिंगर शायद बन ही नहीं पाते। और हर एक सिंगर का अपना एक स्केल होता है। अब आप देखिए, कोई अब पंजाब में रहता है, कोई हिमाचल में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई कहाँ, कोई नॉर्थ में, कोई हर एक जगह हर किसी का गले का नेचर होता है, उसका उसका खाने के हिसाब से उसका गला होता है, उसके रहने के हिसाब से उसका गला होता है। तो हर किसी की अपनी वोकल रेंज होती है और मुझे नहीं लगता आपको जबरदस्ती ज्यादा स्ट्रेन करना चाहिए अपने गले को ज्यादा ऊंचा गाने के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एक सिंगर के लिए, अगर आप कोई भी साम माने तो आपका मंद्र सप्तक के पास से लेकर तार सप्तक के पास तक एटलीस्ट इतनी रेंज होनी चाहिए एक सिंगर की। जरूरी नहीं है कि आप वो जैसे मैं अभी जो है मैंने फर्स्ट वाइट जिसको सी मेजर बोलते हैं उसको मैं भी सा माना है। अगर मैं उसको सा मान के रियाज कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहां से लेकर कहां तक रेंज होनी चाहिए। सा मैं नीचे जाऊंगा, पहले सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। तो सा नी धा पा नीचे पहले पास लेकर पादानी सारे गामा पादानी सारे गामा पमगा पा, ये वाले जो पा है यहां तक एक सिंगर की रेंज होनी चाहिए। तो मंद्र सप्तक के पास से लेकर तार सप्तक के पा तक इतनी रेंज होनी होनी चाहिए। आपने कभी गिटार की स्ट्रिंग्स देखी होंगी, जो मोटी स्ट्रिंग्स होती हैं वो थिकर होती हैं और वो उनसे बेसी बेस वाली आवाज ज्यादा आती है, मोटी आवाज आती है, नीचे वाली आवाज ज्यादा आती है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं स्ट्रिंग पतली होती जाती है और वॉइस पतली होती जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप आहिस्ता से ऊपर बढ़े, जैसे सा नी धा पा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपकी आवाज मोटी होती जाएगी और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपकी आवाज पतली होनी चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, मा जो ऊपर वाला मा जैसे मैंने अभी गाया ये वैसे नहीं गा रहा हूं मैं जैसे नीचे वाला मा गा रहा हूं मैं, उसको थोड़ा सा पतला करके गाएंगे। अगर मैं वैसे ही गाऊंगा तो उस पर स्ट्रेन लगेगा और गले को स्ट्रेस होगा बहुत ज्यादा और गला खराब भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वोकल रेंज बढ़ाने के लिए, पहले तो अगर आप सी मेजर पर रियाज करते हैं, जैसे मैं भी सी मेजर पर रियाज कर रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आप हाफ नोट या हाफ स्केल बढ़ाइए या पूरा एक स्केल बढ़ाइए तो वो कैसे रियाज होगा। जैसे मैं मान लो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं अभी सी से, मैं सी शार्प पे चला जाऊंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सारे गामा बादा नी सा सा नी दा बा मा गा रे सा। अगर आप सी शार्प पे रियाज करते हैं यानी फर्स्ट ब्लैक पे रियाज करते हैं तो आप डी पे रियाज करिए यानी सेकंड वाइट से रियाज करिए। अगर आप डी से रियाज करते हैं तो डी शार्प से रियाज करिए। तो यानी अपना सा जो आपका आपका सा जिसको आप मानते हो आप स्केल मानते हो स्केल हल्का सा हाफ नोट बढ़ा के फिर रियाज करो, इससे आपका वो बढ़ेगा। दूसरा जो आप ऊपर वाले नोट्स ले रहे हैं सारे गामा बादा नी सारे तो उनपे रे खुल के नहीं गाना, रे गामा सिर्फ टच करना है, ज़रा ठहरना नहीं है सा के ऊपर, जो ये सा है रे गा मा पा धा नी सा इसके ऊपर जितने भी नोट्स लग रहे हैं स्वर जब पे आप जा रहे हो उन पे ठहरना नहीं है, सारे मतलब ये पे ठहरना सारे गा रे सा सिर्फ टच करके वापस आओ, उस पे ज़्यादा देर ठहरो नहीं और स्ट्रेन मत दो अपने गले को स्ट्रेन मत करो। और तीसरा कि वॉइस को पतली करो, जो नीचे सारे रे खुले हुए गले से नहीं गाना, पूरा रे गा मा गा रे सा, जैसे मैंने वो गिटार की स्ट्रिंग की जो एग्जांपल दी कि पतली होती जाती स्ट्रिंग, वैसे आपने पतला करना है अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊंचे वाले नोट्स को टच करने के लिए। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सी पे रियाज करें तो सी शार्प पे रियाज करिए, सी शार्प पे रियाज करें तो डी शार्प डी पे रियाज करिए, डी शार्प पे रियाज करिए, ऐसे ऐसे स्किल बढ़ा के और उस जो जो बढ़ाया वो स्किल है उस पर आप आरओ अवरो जो अभी आप अपना क्लासिकल का रियाज है वो रियाज करते हैं तो वो करिए, और इससे आपका स्केल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। एकदम से बढ़ाने की कोशिश मत करिए, आहिस्ता से रेंज बढ़ेगी आपकी।
I hope you liked my tutorial. Thank you so much. Do join me on Facebook at www.facebook.com/Siddharth Salathiya. Thank you so much. Bye bye.